दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश बन चुकी है और इनके विनर बनने से कुछ दर्शक बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो कुछ दर्शक बिग बॉस के मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें काफी भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी प्रकाश सहित और भी कई दूसरे कंटेस्टेंट को बिग बॉस के विनर बनने पर इस शो के मेकर्स ट्रोल हो चुके हैं। जी हाँ, तो आखिरकार फैंस किस कंटेस्टेंट को विनर बनता नहीं देखना चाहते थे, जिसके चलते फैंस ने इस शो मेकर्स को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तेजस्वी प्रकाश सहित किन विनर बने कंटेस्टेंट के चलते फैंस ने इस शो के मेकर्स को ट्रोल किया है। नंबर 1, रुबीना दिलाइक। सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा रुबीना दिलाइक के बारे में। तो आपको बता दें, अभिनेत्री रुबीना दिलाइक बिग बॉस 14 की विनर रह चुकी है। फैंस रुबीना दिलाइक को बिग बॉस 14 का विनर नहीं बनाना चाहते थे। वो तो राहुल वैद्य को बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ देखना चाहते थे। तभी तो रुबीना दिलाइक के जीतने के बाद फैंस ने मेकर्स को खूब ट्रोल किया था। नंबर 2, सिद्धार्थ शुक्ला। अब बात करते हैं अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। बता दें, बिग बॉस 13 के फिनाले में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि असीम रियाज के फैंस ने उनको विनर बनाने के लिए पूरी कद झोंक दी थी, पर इसके बावजूद असीम रियाज बिग बॉस का खिताब हासिल ना कर पाए। ऐसे में असीम रियाज के फैंस ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। नंबर 3, शिल्पा शिंदे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस 11 की ट्रॉफी अपने नाम की थी। हालांकि फैंस शिल्पा शिंदे के जीतने से जरा भी खुश नहीं थे। फैंस चाहते थे कि हिना खान बिग बॉस की विनर बने, पर मेकर्स की मर्जी के आगे फैंस की एक न चले। नंबर 4, गौहर खान। आपको बता दें, गौहर खान का विनर बनना भी फैंस को हजम नहीं हुआ था। गौहर खान ने तनिषा मुखर्जी को टक्कर दे दी थी। फैंस को लग रहा था कि गौहर खान की जगह तनिषा मुखर्जी शो के विनर के खिताब हासिल करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गौहर खान बिग बॉस सीजन 7 की विनर बन गई, जिसकी वजह से मेकर्स को ट्रोल होना पड़ा। नंबर 5, प्रिंस नरूला। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अभिनेता प्रिंस नरूला का नाम शुमार है, जो बिग बॉस 9 के विनर रह चुके हैं। इन्होंने फिनाले में ऋषभ सिन्हा को हराया था, जिसके बाद फैंस ने आरोप लगाए थे कि मेकर्स ने मनमानी करते हुए प्रिंस नरूला को विनर बनाया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स ने अपनी मनमानी से इन सितारों को विनर बनाया है? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।